गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मॉर्निंग तड़का में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर जो और आपके लिए लाए हैं बिजनेस और फाइनेंस का न्यूज। चलो देखते हैं आज क्या है बिजनेस और फाइनेंस की दुनिया की तड़का वाली खबर। पहला खबर, अडानी एंड विल्मर आईपीओ। ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी है अडानी ग्रुप एंड सिंगापुर बेस्ड विल्मर ग्रुप का। बेसिकली इनका मेन प्रोडक्ट है कुकिंग ऑयल। इस कंपनी को 3600 करोड़ का आईपीओ में बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है, 17 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि एनआरआईस ने तो जितना उनको अलॉटमेंट दिया था उस पर 56.30 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब किया है। ये बहुत ही एक अच्छा साइन है। लेट्स सी मार्केट्स कैसे आगे रिस्पॉन्ड करता है। CLSA लिमिटेड, ये एक कंपनी है जो फोकस करता है कॉरपोरेट फाइनेंस में, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स में, और बहुत ही बड़ा इन्वेस्टिंग ग्रुप है कैपिटल मार्केट्स के अंदर। इसने फोरकास्ट किया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है एक ज़बरदस्त लेवल पे है अभी यहाँ से प्राइस हाइक होने के लिए। करंट प्राइस उसका तकरीबन 2309 एंड येस्टरडे वो 2384 तक गया, बट वो टारगेट कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट 2700 या 2900 तक ये जा सकता है। मतलब काफ़ी पॉजिटिव है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेके। TCS ने जो बाईबैक का ऑफ़र दिया था 18,000 करोड़ का, वो बहुत ही एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स को फटाफट एक 10-20% गेन करने के लिए। करंट मार्केट प्राइस TCS का है 3744 के आसपास एंड TCS का जो बाईबैक ऑफ़र है वो 4500 का है। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स को क्विकली थोड़ा सा पैसा गेन करने के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए आगे वो होल्ड भी कर सकते हैं। अगला खबर रियल एस्टेट मार्केट से। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया यानी कि मुंबई, यहाँ पे 8100 ट्रांजैक्शंस रजिस्टर हुआ इन द मंथ ऑफ जनवरी, जो एक 10 साल का हाई था। और इसमें टोटल कलेक्शन हुआ गवर्नमेंट को 477 करोड़ का। ये एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि रियल एस्टेट मार्केट अभी धीरे धीरे अप ट्रेंड में शायद पिकअप कर लेगा। अगला खबर स्मार्टफोन इंडस्ट्री से। 27% इन रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है और जो एक्सपोर्ट्स है शिपमेंट जो होता है वो 11% से ग्रो हुआ। Xiaomi कंपनी 24% से, Samsung 18% से एंड Vivo 15% से उनका शिपमेंट्स ग्रो हुआ। और आने वाला साल के लिए उनका फोरकास्ट है कि $44 बिलियन का जो है रेवेन्यू जनरेट होगा इस इंडस्ट्री से। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है इंडस्ट्री के लिए। अगला खबर स्टॉक मार्केट से। ओवरऑल मार्केट्स येस्टरडे अप था और इस अप मार्केट में ये 5 कंपनीज ने सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन गेन किया और ये ऐसे 5 कंपनीज है जिसने अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा लूज किया येस्टरडे ट्रेडिंग सेशन में। इंडियन एंड एशियन मार्केट का अपडेट्स। येस्टरडे ट्रेडिंग सेशन में सेंसेक्स 813 पॉइंट्स अप, निफ्टी 237 पॉइंट्स अप, USD INR 0.42 रुपीस डाउन और गोल्ड जो है 59 रुपीस अप था। आज सवेरे निकी 155 पॉइंट्स अप, शंघाई 32 पॉइंट्स डाउन एंड सिंगापुर 3 पॉइंट्स अप ट्रेड कर रहा है। टेक्निकल एनालिसिस में निफ्टी चार्ट्स में येस्टरडे मार्केट्स ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स अप गया, लेकिन फिर भी अभी भी वो उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो टारगेट सिमिलर रखेंगे 17,700 ऑन द अपसाइड एंड 16,900 ऑन द डाउन साइड। स्टॉक पिक ऑफ द डे में आज चूज करता हूँ IDFC बैंक फर्स्ट। ये एक 4 आवर चार्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 46 रुपीस में बहुत ही एक ज़बरदस्त सपोर्ट एरिया दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर ट्रेड करते हैं तो 40 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और फर्स्ट टारगेट 55 रख सकते हैं एंड सेकेंड टारगेट जो है 62 रुपीज़ हम रख सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बिकॉज यू आर अ विनर। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका दिन शुभ रहे। हैव अ ग्रेट डे माई फ्रेंड्स। थैंक यू। नमस्कार।